मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जनपद की 2604 करोड़ रुपए की लागत की 727 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास व 7 सामुदायिक केंद्र में हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफलतम कार्यकाल के लिए बधाई देता हूँ, जिनके कार्यकाल में देश ने तरक्की की है। इसके साथ ही गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होने पर गीता प्रेस को प्रदेश सरकार की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भारत की बात कुछ और थी, लेकिन अब 2014 के बाद भारत का नाम दुनिया में हुआ है। अब भारत सीना तान कर चलता है और लोग भारत का सम्मान करते हैं। यह नया भारत है जिसने दुनिया के अंदर अपनी नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए सभी लोग पार्क व गांव में अमृत सरोवर के पास सुबह 6 से 8 बजे तक योग करें। योग दिवस की पूर्व संध्या पर होने वाली सभा नए संकल्पों को प्रेरित करती है, क्योंकि 9 सालों में सेवा का मॉडल व सुशासन का मॉडल पीएम मोदी ने दिया है। पहले देश में केवल घोटाला होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले हम लोग 100 रुपये भेजते हैं तो केवल 15 रुपये ही लोगों के पास पहुंचता है, बाकी पैसा बीच के दलाल खा जाते हैं। लेकिन अब 2014 के बाद लोगों के खातों में सीधा पैसा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सीधा उनके खाते में पैसा जा रहा है और मनरेगा मजदूरी भी उनके खाते में जा रही है। हम लोगों ने मजदूरों से इसके लिए बात भी की तो उन्होंने बताया कि पूरा पैसा खाते में आ रहा है, जो कि पीएम मोदी के कारण ही संभव हो पाया है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला, विधायक फतेह बहादुर सिंह, प्रदीप शुक्ला, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारत माता की, जहां तक आवाज जा रही इतनी जोर से आप बोलिए कि रवि किशन जी की आवाज से आपकी आवाज ज्यादा तेज हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। 9 वर्ष की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के गोरखपुर संसदीय सीट से जुड़े हुए मतदाताओं की आज की सभा में उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य सैन्युप गुप्ता जी, मान्य विधायक गण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 9 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान भारत को एक नई पहचान देने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए उनको गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की ओर से हृदय से बधाई देते हुए 2014 के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। इतनी भीषण गर्मी थी, रवि किशन कल भी मुझे फोन करके बोल रहे थे कि गर्मी होगी क्या, एक कार्यक्रम दिन की बजाय हम रात को कर पाएंगे।
अरे हमने कहा कार्यक्रम तो दिन में ही होगा, लेकिन अब देखिए गोरखपुर की जनता में से 2 वर्ष सर्दी की बहुत परवाह नहीं करती है, और कल आप देखना प्रयास करिए लोग आएंगे और आपने सभी आशंकाओं पर एक बार विराम लगाते हुए भारी संख्या में उमड़ करके साबित किया है कि गोरखपुर गोरखपुर की ही तर्ज पर कार्य करेगा, और इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए गीता प्रेस को परसों गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसके लिए गीता प्रेस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी न्यासी और गीता प्रेस के साहित्य के जितने प्रेमी हैं उन सबका भी अभिनंदन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर में कार्यक्रम होगा तो कुछ न कुछ नया तो होगा। आज 2626 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी यहां पर संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा दोनों ओर पत्थर ही पत्थर लगे हैं। ये सब पत्थर केवल पत्थर नहीं है, ये विकास की गोरखपुर की एक नई उड़ान भी है। गोरखपुर को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, लोगों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, और इस अवसर पर 2626 करोड़ की परियोजनाओं के लिए मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधिगण है, सांसद जी है, महापौर है, विधायकगण है, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनको भी बधाई देता हूं, और आप सबको भी मैं इसके लिए बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान देश को एक नई दृष्टि दी, या नई दृष्टि, नया दृष्टिकोण, नया करने के लिए कुछ नयापन हो, सेवा के लिए, सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए। राम राज्य वैसे ही नहीं आता है, राम राज्य की पहली शर्त है सेवा का, पहली सेवा है सेव, पहली शर्त है सेवा, देश के प्रति सेवा। सब कुछ हो गया, हमारा जाति, हमारी मात, हमारा मजहब, हमारा क्षेत्र, हमारा भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब के भाव और भंगिमा एक है कि मेरा भारत महान, मैं देश के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ कार्य करूंगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पूरे समर्पित भाव के साथ कार्य करूंगा, अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करूंगा, विरासत को विकास के साथ जोड़ करके निरंतर प्रयास करूंगा, और सेवा का यह भाव पूरे देश के अंदर हर भारतीय के मन में आना हर भारतवासी को एक नई दिशा देता है, एक नए भारत के बारे में। 14 के पहले का भारत, जो भारत दुनिया के अंदर सीना तान करके नहीं चलता था, जिस भारत के बारे में दुनिया की धारणा कुछ और थी, और 2014 के बाद का भारत, जो भारत दुनिया के अंदर सीना तान करके भी चलता है और दुनिया भी बड़े सम्मान की दृष्टि से उस भारत की ओर देखता है, दुनिया के संकट के साथी के रूप में जिस भारत को देखता है, वह नया भारत है जिस भारत ने आज दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है, वैश्विक मंच पर जिस भारत को आज सम्मान मिला है। कल योग दिवस है, उनका स्वागत कर आप फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक एम्पियरगंज, श्री राम चौहान जी विधायक खजनी, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह माननीय विधायक पिपराय, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सजनवा, फिर से नाम आ गए, श्री सहजादन राय जी माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, श्री राजेश गुप्त जी माननीय महानगर अध्यक्ष, श्री पद्मानंद राजू जी, इनकर धन्यवाद, श्री सरोज कुमार जैना जी, मनोज कुमार सिंह जी,
युधिष्ठिर सिंह जी का भी नाम फिर आ गए, इंद्रमणि उपाध्याय जी संयोजक, डॉक्टर आर डी सिंह जी, इस सब नाम के हम प्रणाम करब, साधुवाद देव और साधुवाद देव और धन्यवाद है, हम लोग धन्यवादी है कि हमनी के ऐसा नेता भेटे कि आज का दिन देखने मिला, 2023 का दिन मिलल कहा कि हमने के मोदी जी और योगी जी भले ना, जब ऐसा नेता मिलल ना तो भैया हो ऐसा दिल मिलाला जेकरा के राम राज्य कहा जाला। आज हमारे कार्यकर्ता गण पूरा जितना नाम हम लिए संयोजक से लेके जिला अध्यक्ष और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष मेहनत कैलन, पूरा युवा मोर्चा लगल उनकर मेहनत बा, समस्त देवतुल जनता के माननीय विधायक जी लोगन का मेहनत बा, हमारे जिला परिषद लोगन के मेहनत बा, पार्षद गण के चेयरमैन साहब लोगन के मेहनत बा, सभी लोग सारे पदाधिकारी की भीषण गर्मी में आप लोग ये भारी तादाद में आए और ये समस्त भारत में एक चर्चा हुई कि 45 डिग्री के टेम्परेचर में पूज्य महाराज जी के सुने खातिर आज पूरा गोरखपुर उमड़ गई, एगो गड़गड़ा के ताली मारा हो भैया, अपना खातिर मारा कि आप लोग पहुंच गए ना, तो इंच रहा कि कैसे के घामे में आई, ये अलग चिंता रहा लो बाह सतारा बहुत अच्छा। तो एक बात हम हमारे साथ सब लोग कहा कि 9 साल जब कमाल बा, 9 साल धमाल बा, 9 साल बेमिसाल बा और ये 9 साल खुशहाल बा, कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नीति उनका जौन हिसाब से कि हमारे भारत कैसे चले, हमारे पूज्य महाराज जी का सोच एगो निस्वार्थ सोच ना, तो सोचा हो यह अधिकारी रहना, यह कार्य चली रहा, यह सरकार रहे, यह फैक्ट्रिया कुछ कुल 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 कुछ कम फैक्ट्री होगी, कुछ नहीं रहा, लेकिन यही संसाधन और देश बदल गया, यह संसाधन और देश विश्व गुरु बने जाता, यह संसाधन कानून व्यवस्था बदल गई, यह संसाधन कुल माफिया धरती के अंदर पाताल में ढुका गई ना, या तो स्वर्गलोक की यात्रा में चल गई ना, जैसे महाराज जी का कानून व्यवस्था बा। सोचे का बात बात हो कि यही भारत 9 साल पहले कहा रहे और यही भारत 9 साल में कहा हो गई, जो सोचा 90 साल का काम 9 साल में हो गई हो, और 9 साल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के और पूज्य महाराज जी का मिलन भारतीय जनता पार्टी के, तो सोचिए का हो जाए, विश्व गुरु बनने से इस भारत को कोई नहीं रोक सकता, नहीं तो पहले पाकिस्तान आके मार के चल जाते रहे, आज वो भिखारी की तरह कटोरा लेके दौड़ रहा है, आज कई देशों में रिसेशन है और मेरा भारत आज तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, मेरा भारत फैक्ट्रीज बना रहा है, मेरा भारत रोजगार देता, कमाई देता हो, पढ़ाईयो देता, ई बाटे भारत, ई बा भारतीय जनता पार्टी के सरकार, ई बाटे डबल इंजन सरकार, पढ़ाई कमाई दवाई रोजगार कमाई ना भैल रहे, ई भारत के धरती पर कहे कि कुल बिचुईया दलाल कमीशन खोर टूजी स्कैम कोलगेट घोटाला लाखों करोड़ का घोटाला ये भारत में हुआ, जनता के पैसा के लूट के खा गई ना हो, बर्बाद कर देना इस देश के, तब ना हमरे मोदी जी, तब ना पूज्य महाराज जी 2017 में किसान खड़ा हो गई, आत्महत्या से बच गई ना, बिटिया लोग खड़ी हो गई, शासन प्रशासन पुलिस को बल मिला, ताकत मिली, वर्दी को व्यवस्था को मिली उड़ान, बंद फैक्ट्री चालू हो गई, फर्टिलाइजर में धुआं आए लगल, एम्स बन गई, चीनी कारखाना चल गई, सड़कों का जाल बिछ गई, गीला से लेके अद्भुत जितना गोरखपुर के आज देखा, रामगढ़ झील के बगल में बैठल बा, हवा एकदम नदियों का आवाता आनंद मिलाता हो, यही तरह भारत भी आगे बढ़ल बाटे, यह कहा भैया हो कि आज जन अपने भारत का बात हम कर रहे थे, कुछ पंक्ति हम भी लेके आए कि जनधन योजना से लेके स्वच्छता अभियान तक, हम लगल कि आज ही बोलब जरूरी बात हो के लिखे,
सुना तनी। जनधन योजना से लेके स्वच्छता अभियान तक, उज्ज्वला योजना से फसल बीमा लाभ वाले किसान तक, वन रैंक वन पेंशन लाभार्थी जवान तक, राम मंदिर के अभियान से निर्माण तक 370 मिटा के कश्मीर में लागू किया अपना झंडा अपना निशान तक, अन्न के अकूत भंडार के करोड़ों लोगों को बाहर निकाल ले जाने वाली योजना से लेकर दंगाइयों पे बुलडोजर तक के प्रहार, चीन पाकिस्तान के नकेब के देने वाली प्रभावशाली सरकार के लिए हम अपने प्रधानमंत्री, हम अपने पूज्य महाराज जी के आभारी हैं। महाराज जी आभारी हैं आपके, और दिल से महाराज जी सबके दिल से आशीर्वाद निकला लो। अरे सब लोग कुंठा में जीते थे, कीड़े मकोड़े की जिंदगी थी, मच्छर और माफियाओं में जीते थे, इंसेफ्लाइटिस होती थी, बीमारियों से ग्रसित होकर बच्चे मर जाते थे, गेहूं की चिंता ना रहे। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट पे 14 हवाई जहाज उड़ा था, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने जाता पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। 2680 करोड़ का रिंग रोड बनी, एजा गडकरी साहब देखेंगे ना, रामगढ़ झील के भी एक माला जी सन महाराज जी रिंग रोड बनाए जाता। काका गिनवाई हम कहे ना, ये पहली सरकार बा, ये दवाई कमाई रोजगारी हो पढ़ाई दिल, दवाई कमाई पढ़ाई केहू सोच ले ना रहे। अध्यात्म का धरती है, आयुष्मान महाविद्यालय अब बन रहा है, हमारी यूनानी पद्धति अब आएगी, गोरखपुर एक इतिहास बनने जा रहा है। कल ही आपने देखा वायरल हुआ गीता प्रेस को महात्मा गांधी सम्मान यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, कांग्रेसियों को मर्चा लग गई हो। जयराम रमेश जी का हतड़न किए तो गोडसे और इस सावरकर को सम्मान, हरे कांग्रेसिया आवा तनी दिखाई चिट्ठिया लिखलवा गांधी जी का कि इस ट्रस्ट को कभी पब्लिकेशन नहीं करना, अखबारों में नहीं डालना, और वो संस्था जो 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार को भी ठुकरा दिया कि नहीं, वो गीता प्रेस के लिए कांग्रेसी क्योंकि सनातनी विरोधी है। और मैं सीधे कहता हूं, हिंदू विरोधी मानसिकता है इन लोगों की। हमको कोई डर नहीं, हिंदू विरोधी मानसिकता कांग्रेसियों की, पाकिस्तानी बोल बोलते हैं ये लोग। गीता प्रेस पे कल इन लोगों ने अटैक किया, कहत रहना यह है कांग्रेसी, यह सपा, यही बसपा कि मंदिर नहीं, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, का हो क्या कहते थे, कहा कहत रहना है। तो सुन लो कांग्रेसी, सुन लो बसपा सपा और मोदी और योगी विरोधियों, मंदिर भी बनाए अब तारीखों बता दे भाई हो, 24 जनवरी पाठ खुलेगा पूज्य महाराज जी अभी हमको बताए। मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से समस्त 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं, सुन लो पूरे विश्व में 24 जनवरी को महाराज जी, ठीक ना, 22 की 24, हर हर महादेव, 24। हम कबो कबाल जुनून में एक आध दो तारीख भुला जाते हैं, इतने बार तो हम खुद को भुला जाते हैं, हम के है ये तो महाराज जी याद दिलाने सांसद जी होगा। बोलो नमः पार्वती पते हर हर, दोनों हाथ ये विशाल भीड़ ये विराट भीड़, दोनों हाथ उठकर नमः पार्वती पते हर हर। जय श्री राम।